हाय गाइस, आप लोग कैसे हो? मैं नाम तो आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल मूवी विला भाई अनंत। मैंने जस्ट अभी खत्म की है डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज हुई मूवी अतरंगी रे। फिल्म के बारे में यही कहूँगा, फिल्म की जैसी टाइटल है फिल्म वैसे ही हटके अतरंगी ही है। फिल्म को अगर वन वर्ड में डिस्क्राइब करना चाहूँ तो फिल्म मैजिकल। फिल्म काफ़ी अच्छी मूवी है। फिल्म के बारे में यही कहूँगा, जो आनंद एल राय हैं जो फिल्म को हमें प्रेजेंट कर रहे हैं, फिल्म एक्सपेरिमेंट के तौर पर हमारे साथ प्रेजेंट किए, जो फिल्म काफ़ी अच्छी है। इस फिल्म से मुझे सिर्फ एक डिसअपॉइंटमेंट है कि ये फिल्म थिएटर पर रिलीज़ की जानी थी, ये OTT पर रिलीज की जाने वाली मूवी कहीं से भी नहीं लग रही थी। फिल्म इतनी अच्छी कंटेंट, इतनी अच्छी कॉन्सेप्ट बनी गई है। स्क्रीन प्ले अगर फिल्म की बात करें तो काफ़ी बेहतरीन है। म्यूजिक की जर्नी क्या है काफ़ी अच्छी है, डायरेक्शन काफ़ी अच्छी है, कंटेंट स्टोरी काफ़ी अच्छी है, फिर भी फिल्म को OTT पर रिलीज किया गया, पता नहीं क्यों। धनुष सर की अगर मैं बात करूं, रांझना पर जो फिल्म हम लोग देख चुके हैं, ऐसी भी उसकी ऑडियंस फैन है, उसके बाद में भी पैन इंडिया में उन्होंने OTT पर रिलीज किया, मुझे इसी डिसअपॉइंटमेंट है इस मूवी से। अगर फिल्म की बात करूं तो फिल्म में जैसे ही अक्की सर की एंट्री होती है उसके बाद से कुछ एलिमेंट्स खुल के आते हैं, कहानी में कुछ रिवील्स होती है, वो फिल्म काफ़ी बेहतरीन लगती है। उसी के बाद फिल्म में ग्रिप और जान आने की चालू हो जाती है। अगर फिल्म की कास्ट की बात करूं तो कास्ट में सारा अली खान, अक्की सर, धनुष सर और इन लोगों की अगर परफॉर्मेंस की बात करूं तो फिल्म में काफ़ी अच्छी, खास करके धनुष सर की बात करूंगा मैं। धनुष सर इतने अच्छा फिनोमिनल एक्टिंग किए उन्होंने, जब जब भी स्क्रीन में इमोशनल सीन हो या कोई भी सीन हो वो हार्ट हिटिंग, मतलब वो हिट करके गए, वो सीन काफ़ी बेहतरीन सीन उन्होंने दी है मूवी में। बात करूँ सरा जी की तो सरा को जो कैरेक्टर दिया गया तो उन्हें बेखूबी निभाया, वो उसी तरीके से नजर आए जो हमें पहले भी देखने को मिल चुका है, मुफ्फट टाइप की। उसको अगर अक्षय सर की परफॉर्मेंस की तो उस पर कोई नो डाउट, वो फिल्म में काफ़ी बेहतरीन लग रहे हैं। बात करूँ इस मूवी की प्लॉट या स्टोरी की, तो स्टोरी स्टार्ट होती है बिहार के सिवान में, जहाँ पर चेन्नई से पढ़ने के लिए आए होते हैं धनुष सर, अपनी डॉक्टरी की डिग्री लेने के लिए IMS में आए होते हैं सिवान, जहाँ पर सरा अली खान जी रहती हैं वहीं पर वो अपनी प्यार की चाहत को पाने के लिए 25 से 27 बार घर से भाग चुकी होती हैं, जो सारे के सारे नाकाम होते हैं, सब बार पकड़ी जाती हैं और पकड़े जाने के बाद में सरा जी की काफ़ी कुटाई की जाती है। उसके बाद इस बदनामी से बचने के लिए कि ये लड़की कहीं भाग न जाए, इनकी शादी की जाती है धनुष से ज़बरदस्ती किडनैप कर। दोनों की शादी तो हो जाती है, मगर धनुष सर की शादी होने वाली होती है 2 दिन के बाद में, एंगेजमेंट होने वाली होती है उनकी गर्लफ्रेंड के साथ में, उसी के साथ में इधर होने वाली रहती है अक्की सर की जो केमिस्ट्री चलती है, जो ट्रेलर पे दिखाया गया है हमारे उनकी लव एंगल को वो होता है। इस शादी के बाद ही पूरी स्टोरी ही घूम जाती है, उसके बाद में क्या क्या होता है ये आप लोगों को फिल्म देखना पड़ेगा, क्योंकि फिल्म की कहानी काफ़ी अच्छी है। आनंद एल राय ने क्या प्रेजेंट किया है फिल्म को, मैं क्या कहूँ, जो एक्सपेरिमेंट करके हमारे सामने प्रेजेंट किया है, मुझसे यही एक दरख्वास्त है इस मूवी को थिएटर पर लॉन्च करना चाहिए था। ये फिल्म ऑडियंस डिजर्व करती है, ये मूवी डिजर्व करती थी थिएटर के लिए, मैं यही कहना चाहूँगा। अगर इस मूवी को अगर रेटिंग की बात करूँ तो मैं 5 में से 4 दूंगा, और अगर फिल्म में कहीं भी अगर किसी जगह सीन की बात करूँ तो कहीं भी ओवर नहीं बताया गया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिल्म की स्क्रीनिंग परफॉर्मेंस सभी के बारे में सभी ओके है, काफ़ी अच्छी की गई है मूवी। इसी के साथ में इस रिव्यू को मैं ख़त्म करना चाहूँगा और मैं यही कहना चाहूँगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, और बने रहिएगा मेरे चैनल में ऐसे ही कंटेंट के लिए। और बाय बाय मेरे दोस्तों।